हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्टैंड अप फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल के आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारी 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन है। ये सैम्पल के तौर पर रहेगी और साथ ही पेड ग्रुप के जो छात्र हैं उनके लिए ये डिक्टेशन है। सभी तैयार रहिएगा, 6 मिनट का डिक्टेशन है जिसको 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको समक्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी तैयार रहें, रेडी। आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नव युवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था। ब्राम, वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50 से 55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। ब्राम, आप जो आज के नव युवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। ब्राम, अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है पहले कभी नहीं हुआ। ब्राह्म, भारतवासियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है? प्रश्नवाचक। कभी-कभी अखबारों में नवयुवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों की सीधी कार्रवाई और झड़पों की खबरें आती हैं। ब्रह्म, एक हद तक यह असंतोष युवकों की गतिशीलता का द्योतक है। उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ। ब्रह्म, लेकिन कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। ब्रह्म, यह विरोध विकास की एक आस्था है या एक प्रवृत्ति? प्रश्नवाचक। हमें एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। ब्रह्म, इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण अनंत महत्व के हैं। ब्रह्म, लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। ब्राह्म, उन्हें उन थोते अंधविश्वासों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से जो सदियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं मुक्त करना चाहिए। ब्राह्म, आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। ब्राह्म, वे रोजगार किस प्रकार कर सकते हैं जबकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है? ब्राह्म, इसलिए उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता
है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ब्राम, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कुटीर उद्योग प्रारंभ किए गए हैं, उन कुटीर उद्योगों से संबद्ध करने के लिए प्रशिक्षण का काम करना चाहिए। ब्राम, आज शहर के मुकाबले गांव में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ब्राम, मैंने जो आंकड़े बताए वह रोजगार वृद्धि की जो अनुमानित दर है वह 2% है और जो मांग है वह 4% है। ब्राम, इसमें अंतर 2% का है। ब्राम, आगामी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लिए भारत के महत्व को रेखांकित किया है। ब्राम, यह हमारा डिक्टेशन 427 शब्द का डिक्टेशन है। इसको आप हमारी वेबसाइट www.stanofforall.com पर जाकर टाइप करके देख सकते हैं और अपनी त्रुटियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट की टीम आपकी गलतियों का मूल्यांकन आपको उपलब्ध कराएगी। इसका लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी अगर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप करना चाहते हैं ट्रायल के तौर पर, तो वो भी यूज़ करके देख सकते हैं।